क्रांति उड़ीसा वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। आज मैं आपके सामने संपूर्ण एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। विषय का नाम है कटक बड़ी मेडिकल यानी SCB मेडिकल में दलाल राज, ब्रोकर राज। सभी को जानते हैं कि जो बड़ी मेडिकल जो है कटक की, वो उड़ीसा की एक नंबर मेडिकल है। उड़ीसा के एक नंबर मेडिकल के साथ साथ यहाँ पड़ोस के इवन बंगाल और झारखंड के भी रोज़ सैकड़ों रोगी यहाँ पर चिकित्सा के लिए आते हैं पड़ोसी राज्यों से, क्योंकि यहाँ बहुत उच्च दर्जे के अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर हैं और मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा मुफ्त में। इसलिए झारखंड में मेडिकल की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। बंगाल में भी जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा से सटा हुआ, वहाँ से भी रोज़ सैकड़ों की संख्या में रोगी यहाँ पर आते हैं चिकित्सा के लिए, क्योंकि मेदिनीपुर जिले में भी अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है बंगाल सरकार के द्वारा। इस तरह पूरा उड़ीसा तो कटक बड़ी मेडिकल में उड़ीसा के से आते ही हैं, इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से भी यहाँ रोगी लोग आते हैं। अभी तरोताज़ा घटना एक झारखंड की ही है। एक स्त्री, उनको कुछ बीमारी हुई, वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव देहात के एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में गई चिकित्सा के लिए, तो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको रेफ़र कर दिया कटक बड़ी मेडिकल। जब कटक बड़ी मेडिकल में उनको रेफ़र कर दिया गया तो यहाँ बड़ी मेडिकल में वो आई, उनके साथ एक लेडी अटेंडेंट भी थी, मतलब रोगी भी स्त्री औरत और उनके साथ अटेंडेंट भी एक औरत, वो दोनों आए वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए से कटक बड़ी मेडिकल में। 4-5 रोज पहले की बात है, जब आए तो वहाँ कैजुअल्टी में, यहाँ का सरकारी नियम है कि जो भी पहले कोई रोगी आएगा तो उसको कैजुअल्टी में ही एडमिट किया जाता है, तो उसको कैजुअल्टी में एडमिट किया गया। जब कैजुअल्टी में एडमिट हुई तो वहाँ उसका निदान, प्राथमिक जो निदान होता है वो किया गया। वहीं पर कैजुअल्टी में ही, मतलब क्या कि दलाल लोग कब्जा कर लेते हैं, दलाल जितने भी होते हैं उनका कैचमेंट सेंटर है बड़ी मेडिकल में कैजुअल्टी वार्ड। वहीं कैजुअल्टी वार्ड के अंदर और उसके इर्द गिर्द बड़े दलालों की संख्या घूमती रहती है वहाँ पर। वो हमेशा देखते रहते हैं कि कौन बाहर से, कौन दूर दराज के, उड़ीसा के दूर दराज इलाके से, बंगाल से, झारखंड से कौन यहाँ पर आया है, उसकी हालत देखते, उनकी कंडीशन देखते हुए और उनके कपड़ों की पहचान इनको दलालों को खूब है, उसी से ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो रोगी जो आए हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, गांव देहात से आए हैं, गरीब हैं, तथा इनके लिए वो बहुत बड़े ग्राहक हैं। तो दलाल लोग के साथ में वहाँ के जो मेडिकल में जो स्टाफ लोग हैं, इवन कई डॉक्टर लोग भी, इनकी साठगांठ रहती है। वहीं पर कैजुअल्टी में ही ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के पहले वहीं पर उनसे इशारों में बात हो जाती है, फिर उनको प्रलोभन दिया जाता है दलालों का द्वारा रोगियों को कि यहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे नहीं है, यहाँ आपकी चिकित्सा अच्छी नहीं होगी, यहाँ आप महीनों रहना पड़ेगा और कोई डॉक्टर यहाँ पर ठीक से देखता नहीं है, कोई भी आपको दवा यहाँ मिलेगी नहीं, इत्यादि जितने सरकार के खिलाफ अपप्रचार, कुप्रचार करने की बात ये सारे दलाल लोग, इन यहाँ के मेडिकल के भी कुछ डॉक्टर लोग उनके साथ में मिले हुए हैं, साठगांठ है, और डॉक्टर मेडिकल के कुछ स्टाफ उनके साथ भी साठगांठ है, ये सब मिल के गरीब भोले भाले रोगी को, दूर दराज से आए रोगी को, उनको मति भ्रम कर देते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं और उनको फंसाने की चेष्टा करते हैं कि उनको प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, यहीं पास में प्राइवेट नर्सिंग होम है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी चिकित्सा होगी और आपको कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, आपके कम पैसे में ही इलाज हो जाएगा और जल्द से जल्द आप स्वस्थ होकर अपने गाँव में चले जाएंगे। ऐसा ऐसा प्रलोभन दलालों के द्वारा दिया जाता है गरीब दूर दराज से आए देहाती रोगियों को, और बेचारे मरता क्या नहीं करता, वो भी देखता है वास्तव में सरकारी, सारे हमारे हिंदुस्तान में सारे सरकारी हॉस्पिटल की अवस्था खराब है और वो भी देखता है कि सरकारी सेवा तो वास्तव में गड़बड़ है ही, प्राइवेट के ऊपर ही लोगों का ज़्यादा आसरा रहता है स्वाभाविक तौर पर, तो वो दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं गरीब रोगी और उनके अटेंडेंट,
और उनके झांसे में आकर उनके द्वारा नियुक्त जो वहां पर एम्बुलेंस की गाड़ियां भरमार रहती है, बड़ी मेडिकल में आप देखेंगे कि सरकार की खुद की एम्बुलेंस सेवा तो नगण्य है, नहीं के बराबर है, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस की संख्या भरमार है, भरी है। और वो प्राइवेट एम्बुलेंस के जो ड्राइवर होते हैं वो भी दलाल है। और जो वहां पर अभी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है अटेंडेंट की, एक मंजूश्री नाम की एक प्राइवेट एजेंसी है, वो मंजूश्री को उड़ीसा सरकार ने कटक बड़ी मेडिकल एससीबी मेडिकल कॉलेज में रोगी सेवा देने के लिए, अटेंडेंट देने के लिए व्यवस्था की है उड़ीसा सरकार ने। वो उधर से उड़ीसा सरकार से पैसा लेते हैं, इधर से जो अटेंडेंट रहते हैं वो अटेंडेंट लोग रोगियों को फंसाकर, जाल में फंसाकर उनको प्रलोभन देके वो अटेंडेंट लोग भी उनको झांसा देते हैं कि आप चलिए जाइए वहां पर प्राइवेट नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां आपको उत्तम चिकित्सा, अच्छी चिकित्सा, सुलभ चिकित्सा वहां मिलेगी और आप जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट जाएंगे। ऐसे सब प्रलोभन वहां स्थित एम्बुलेंस के ड्राइवरों द्वारा दिया जाता है, वहां स्थित सरकार की मंजूश्री एजेंसी के द्वारा नियुक्त जो है वहां पर अटेंडेंट उनके द्वारा दिया जाता है, और अनेक दलाल लोग भी उनको देते जाते हैं डायरेक्ट। जो दलाल उनका कोई एम्बुलेंस से या किसी से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट एम्बुलेंस, डायरेक्ट नर्सिंग होम के द्वारा, प्राइवेट मेडिकल के द्वारा, प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा नियुक्त बहुत सारे दलाल हैं, वो भी प्रलोभन उनको देते रहते हैं, झांसा देते रहते हैं। और गरीब रोगी दूर दराज से आया है, कोई 400-500-600 किलोमीटर दूर से, उनको क्या मालूम यहाँ की क्या व्यवस्था है, नहीं है। सरकार के सरकारी मेडिकल के खिलाफ इधर उधर बक के, इधर उधर भला फला फुसला के उनको वो लोग पहुँचा देते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल में। अब देखिए आलम यह है कि प्राइवेट मेडिकल में इन दलालों का एक एक दलाल लोग एक एक रोगी के पीछे 10-10 हजार, 15-15 हजार कमीशन पाते हैं। अब रोगी को जब वो प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंच जाते हैं और प्राइवेट मेडिकल में, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, वो रोगी समझिए वो गया मतलब, वो जिंदा वापस आना एक तो मुश्किल हो, अगर आ भी गया तो वो कंगाल होके ही निकलेगा वहां से, क्योंकि लाखों लाखों रुपया उसका बिल बना देते हैं ये लोग चंद दिनों में, 4-5 दिन, 7 दिन अगर मिनिमम रख दिए किसी गरीब रोगी को, किसी भी रोगी को, तो कम से कम लाखों का बिल है। क्योंकि 10,000-15,000 रुपया तो दलाल लोग ले जाते हैं। और अगर देखिए क्या कमाई का रास्ता है, अगर एक दलाल दिन में 2 अगर पेशेंट को नर्सिंग होम में एडमिट करा देता है तो उसके बैठे बैठे 25-30 हजार महीने की कमाई ऐसे ही होगी। उसको क्या और जरूरत क्या है, केवल वहाँ घंटा 2 घंटा इधर उधर मटर गस्ती करते रहते मेडिकल में और रोगियों को फंसाने का काम करते हैं, और यहाँ पर महीना में लाखों की कमाई तो दलाल करते हैं और करोड़ों की कमाई नर्सिंग होम वाले करते हैं। फिर वहाँ नर्सिंग होम में इनका जो जल्लादी काम है इनका, क्योंकि ऐसे ऐसे मेडिसिन लिखते हैं जो मेडिसिन बाहर में कटक में कहीं भी नहीं मिलेगी। फिर बाहर से जो लोग रोगी आते हैं, रोगी के साथ में रोगियों का जो अटेंडेंट आते हैं, घर वाले आते हैं, वो लोगों को मालूम भी नहीं है कौन सी दवा कटक में कहाँ सस्ती मिलती है। वो लोग तो वहीं नर्सिंग होम में जो दवाई दी जाती है उसी के सहारे, उसी के भरोसे वो लोग वहाँ पर पड़े रहते हैं और दुनिया भर की महंगे महंगे दवाई लिख देते हैं, महंगे महंगे ऑपरेशन कर देते हैं। यही जो डॉक्टर जो है बड़ी मेडिकल में जो काम करते हैं वही जाके उसी रोगी को वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं और महंगे महंगे प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं। इनसे क्या होता है, अगर आप देखें तो ये सारा माया जाल जो है, ये सारा जो जाल है, इसके अंदर में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो गरीब मध्यम श्रेणी दूर दराज से आए रोगी का। अनेक बार तो ऐसा होता है कि रोगी बेचारा मर भी जाता है और उसको ये लोग उसके बाहर में आईसीयू में रख देते हैं। आईसीयू भी एक अभी जो अभी कल एक यहाँ अन्नपूर्णा हॉस्पिटल सील हुई है कटक मंगलाबाग में, वो अन्नपूर्णा हॉस्पिटल का तो हम लोगों के पास खबर आई है कि वहाँ पर 10 ICU बेड है और 10 ICU बेड भी हॉस्पिटल का जो मालिक है उसने 2 दलालों को बेच दिया। वो दलालों को ICU के बेड में हमेशा रोगी को फंसा फूसू के वहाँ रखते हैं और महीना मतलब नर्सिंग होम के मालिक को महीना देते हैं और रोगी को वो लोग ऐंठते हैं। समझिए कि अगर नर्सिंग होम के मालिक को 3 लाख रुपए महीना दिए तो वो लोग कम से कम भी 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए वो लोग कमाते हैं। कैसी माने ऐसी लूट की व्यवस्था चल रखी है, इसलिए प्रशासन ने चाहे देर से ही लेकिन वो अन्नपूर्णा मेडिकल को वो सील कर दिए हैं और वहाँ के जो अंदर में जो चिकित्साधीन थे 10 रोगी उनको 7-7 स्थानांतरण शिफ्ट किया गया बड़ी मेडिकल में। इस तरह
मैं तो कहूंगा कि जितने भी कटक में आप देखिए, मंगलाबाग में, रानीहाट में, जोबरा में और दूसरे एरिया में भी सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ रोगियों को चूसना, लूटना, रोगियों को ऐंठना, रोगियों से लाखों लाखों रुपये ऐंठना, यही काम है। और उसमें सारे डॉक्टर क्या, नर्सेस क्या, वहाँ के मेडिकल स्टाफ क्या, दलाल क्या, सब के सब मिले हुए हैं। और अगर बेचारा कोई जो रोगी अगर इनके पंजे में आ गया तो बेचारा बच के जाना मुश्किल हो, अगर बच के भी चला गया तो बर्बाद होना तय है। तो सरकार को चाहिए, अभी देखिए इसमें अनेक, अगर आप देखेंगे कटक में सैकड़ों प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल है, वैसे भुवनेश्वर में भी है सैकड़ों नर्सिंग होम प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह। अगर उनमें देखा जाए सही से चेकिंग वगैरह अगर प्रशासन शासन की तरफ से की जाए तो 99% जितने भी यहाँ पर कटक या भुवनेश्वर में प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल है 99% की लाइसेंस कट सकती है। कैसे, उनको आप देखेंगे सेफ्टी स्टैंडर्ड उनके पास नहीं है। सेफ्टी के लिए जो जो सब चीज़ें वस्तुएं चाहिए कुछ भी किसी भी नर्सिंग होम में नहीं है, कुछ भी कहीं भी। अगर कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, जैसा अभी दो महीना पहले तुलसीपुर में एक बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल में ऐसा ही हुई थी, अगर वैसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो इनके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ICU के बिना लाइसेंस के सरकार के तरफ नियम किया है सरकार ने कि कोई अगर प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई ICU बेड अगर रखना चाहे तो उसको सरकार से लाइसेंस मांगनी पड़ेगी। तो इन लोगों के पास तो लाइसेंस सरकार से, ये जो अभी अन्नपूर्णा जो बंद हुई है उसके पास तो बेड का लाइसेंस ही नहीं था, ICU बेड का। उसी तरह जितने भी 90-95% जितने भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कटक में या भुवनेश्वर में है, नर्सिंग होम है, उन सब उनके पास किसी भी तरह का कोई भी साधन संसाधन प्राय नहीं है। अब आप देखिए उनके कैसे क्या है, एक अगर जिनमें एवरेज अगर निकाला जाए, सैकड़ों जो नर्सिंग होम हॉस्पिटल जो कटक भुवनेश्वर में कार्यरत हैं वहां पर उनके ऊपर खर्चा कितना आता है, भाड़े का मकान है, 95% नर्सिंग होम भाड़े के किराए के मकान में चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट है। कोई भी डॉक्टर अगर करे या दूसरा कोई मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा आदमी अगर प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल कटक भुवनेश्वर में करता है, उसका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 10 लाख, क्योंकि भाड़ा का मकान है और रद्दी जितना आउटडेटेड जितने इंस्ट्रूमेंट्स है वो कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास से, वो सब आउटडेटेड सब इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग लाते हैं। ऑपरेशन थिएटर, एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बनाते हैं, और इनके जो नर्सेस हैं ज्यादातर वो सब प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से ही पास की हुई हैं या ड्रॉप आउट्स हैं। तो इनको तो सस्ते मंदे इनको चाहिए नर्सेस, इनको सस्ते चाहिए डॉक्टर, भाड़े के किराए के मकान में ये लोग करते हैं नर्सिंग होम। इस तरह एक लूट का तांडव का संसार ये लोग कायम किए हुए हैं। और अल्टीमेटली अगर नुकसान होता है तो गरीब जनता का नुकसान होता है, चाहे वो उड़ीसा की जनता हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे वेस्ट बंगाल की हो, जनता जनार्दन का ही नुकसान होता है। सरकार को चाहिए बहुत जबरदस्त इनके ऊपर चेकिंग करे, इनके ऊपर प्रहार करे, और जो सरकारी नियम कायदे कानून के विरुद्ध में काम करता है उसका तुरंत लाइसेंस सील कर दे। जैसा अन्नपूर्णा हॉस्पिटल को सील किया, वैसे सारे जितने भी सरकारी नियम कायदे कानून को उल्लंघन करते हैं सबके सब के लाइसेंस जब्त कर दे और सबको सील कर दे, तभी जनता जनार्दन सुख से रह सकेगी एवं रोगी सेवा सरकारी हॉस्पिटल में भी बढ़िया से बढ़िया मिल सकेगी। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर शिशु भवन भी है कटक में, जो सारे उड़ीसा में शिशु रोगियों के लिए सबसे उत्तम सर्वोत्तम व्यवस्था है, बहुत अच्छे। यहाँ पर किसी जमाने में शिशु भवन में जब उड़ीसा की राजधानी कटक हुआ करती थी उस समय उड़ीसा के जो गवर्नर हुआ करते थे, राजभवन था वो शिशु भवन, बहुत अच्छा परिवेश है, नदी के किनारे है, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत विशाल जगह है शिशुओं की रोगियों की चिकित्सा के लिए, अतः सरकार सारी सुविधा वहाँ पर है। तो वहाँ भी ऐसे ही दलाल लोग घूमते रहते हैं और शिशु रोगी को पकड़ पकड़ के, जो लोग आते हैं सारे उड़ीसा से, गरीब लोग रोगी कहाँ कहाँ से आते हैं 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से, दलाल लोग तुरंत उनके पीछे पीछे घूमते हैं और उनको चंगुल में फंसा के कहाँ कहाँ पर। अभी कम से कम भी 4-5 महीना पहले एक ऐसा ही एक वाक्य कटक के शिशु भवन में भी हुआ था। वहाँ गरीब कोई बाहर से आया था, गरीब रोगी अपने बच्चे को लेके, तो उनको जबरदस्ती फंसा के वहाँ बादामबाड़ी में पहुँचा दिया एक नर्सिंग होम में।
फिर बादामबाड़ी में उसका केस बिगड़ गया, भुवनेश्वर में पहुंचा दिए। ऐसा ये लोग काम करते हैं, जबकि सरकार के पास सारी सुविधा सुलभ है और सरकार के पास उत्तम से उत्तम इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑपरेशन के और अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, तो कम से कम रोगियों के भी चाहिए कि किसी दलालों के पंजे में न फंसे, एवं सरकार को भी चाहिए ये प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट मेडिकल जो कि कानून का उल्लंघन करते हैं, नियम को मानते नहीं है, उनको जबरदस्त जल्द से जल्द जब्त की जाए। इसी से रोगियों का भला होगा, जनता जनार्दन का भला होगा। थैंक यू।